एंट्री नंबर सेकंड क्रॉस आयरन मिल्स की। वो रही बोल, एक वो गेट है, एक इधर गेट है, इधर से हम आए हैं अभी। भालू भालू बेस्ट क्वालिटी की कैब्स हैं और वो लगा सकते हैं टोइंग वाला सिस्टम और इसको लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी होते हैं इसमें। ओ भाई ये रंग कैसा निकला है, सभी वेजिस का कॉम्बो होता है। अब ये खाते हैं, गन्स मिल रही हैं वो भी मॉल में, बॉल घर पर ले जाएं। और की हाल चाल सारे में याद है, आई होप आप सभी के सभी लोग सही होंगे, वधिया होंगे सारे सारे लोग। आज हम चले हैं क्रॉस आयरन मॉल जो कि है कैलरी का सबसे बड़ा मॉल, वन लेवल वाला, मींस वहां पे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं होगा, बट वैसे वो सबसे बड़ा मॉल उसको कहते हैं। वो क्रॉस आयरन मॉल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मैं भी नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, हमारे यहाँ से 10 मिनट की जो ड्राइव होगी वहाँ पर चलते हैं, आपको सारा का सारा मॉल का टूर दूंगा, दिखाऊंगा कैसा मॉल बना हुआ है, मॉल अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, कौन से स्टोर्स हैं वहाँ पर, आपको वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए या घूमने के लिए जाना चाहिए, सब कुछ दिखाऊंगा। ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। चलो हम सीधा चलते हैं क्रॉस आयरन मॉल, गाड़ी हमने निकाल ली है, अब सीधा ड्राइव करके चलते हैं। बाकी मौसम चेक करो, मौसम बहुत अच्छा हुआ है आज। एंड आफ्टर 10 मिनट्स हम पहुँच चुके हैं क्रॉस आयरन मॉल। भाई इधर तो गाड़ियां ही गाड़ियां हो गई, गाड़ियां ही गाड़ियां, पार्किंग में कोई जगह ही नहीं है, गाड़ी कहां पर लगाएं यार, इतनी गाड़ी। संडे की वजह से ना सारे लोग क्रॉस आयरन ही आ गए हैं लगता है। तो गाइस फाइनली क्रॉस आयरन मॉल भी पहुंच गए हैं और गाड़ी भी पार्क कर दी है। ठीक है, गाड़ी पार्क करने में भाई कितना टाइम लगा होगा, 10-15 मिनट गाड़ी पार्क करने में लगे हैं। अभी बोलते हैं कनाडा में पॉपुलेशन कम है इतनी कम पॉपुलेशन है कि संडे को पार्किंग की जगह नहीं है। असल में बात ये है कि यहाँ पर लोगों के पास पैसा है तो लोग घूमते भी ज़्यादा हैं। तो ऊपर देखो क्या जा रहा है, प्लेन, हमारे नॉर्थ ईस्ट में साथ में ही ना एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर प्लेन दिखते ही रहते हैं। और इसके ना मतलब मैं बोल रहा था कि काफ़ी सारे ना एंट्री पॉइंट्स हैं, मतलब ये हैं एंट्री 6, सो ऐसे मतलब और भी हैं। ठीक है, एंट्री 1, 2, 3, 4, 5, 6 शायद 7, 8, 9 भी हों, तो ये सारे गेट्स हैं। एक एंट्री 5 वहाँ पर था, सो मतलब अब मेन गेट मैं ढूंढता हूँ कहाँ से, क्योंकि मैं भी सेकंड टाइम आया हूँ और मैंने भी पूरा ये मॉल घूमा नहीं अभी तक। अब जा रहे हैं एंट्री 6 से अंदर सीधा, यहाँ पर लिखा है वेलकम टू क्रॉस आयरन मॉल एंट्री 6। और ठंड भी काफ़ी है भाई, ये रहा अंदर से सीधा, ये एंट्री 6 है, मतलब हर एंट्री अलग होगी यहाँ से। अभी मेन एंट्री भी देखेंगे, एंट्री 1 कहाँ से है और कैसी दिखती है वो भी दिखाऊंगा आपको, पर पहले घूम लेते हैं सारा का सारा। और यहाँ पे आपको पंजाबी काफ़ी देखने को मिलेंगे, आप सोचोगे कि मतलब यहाँ पे शायद गोरे ही दिखें आपको, बट ये नॉर्थ ईस्ट में है, सो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली इमिग्रेंट्स का है सारा, जो यहाँ पे आपको पंजाबी और इंडियन, गुजराती सभी देखने को मिलेंगे। जैक एंड जॉन्स, कोई अच्छी चीज़ आती है दिखाता हूँ आपको, ये पता नहीं क्या है, कोई गेम है, यहाँ पे गेम खेल रहे हैं देखो। और यहाँ पे फूड, ये देखो बच्चों के लिए। अब मॉल के एक साइड के सेंटर में देखो, यहाँ पे चारों तरफ से आपको दिखेगा लोग आ रहे हैं, एक वो गेट है, एक इधर गेट है, इधर से हम आए हैं अभी। और सेंटर में देखो डिज़ाइन बने हुए हैं काफ़ी सारे, और ऐसे सेंटर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, ये नहीं कि एक ही ऐसा सेंटर होगा, काफ़ी सारे सेंटर हैं ऐसे, मतलब यहाँ पर लोग आ सकते हैं। ये देखो क्या बना है, और मैक्सिकन पर्सन होल्डिंग गन, देखा ना आपने, मैक्सिकन मूवीज़ देखी होंगी तो ऐसा ही होता है। और काफ़ी लोग भरा हुआ है आज, उस दिन ये आया था दोस्त मेरा तो बोल रहा था कि मॉल सारा खाली पड़ा है, बट आज देखो संडे है और मतलब इस मंथ का लास्ट संडे है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं इधर। और एक मैंने ना काफ़ी ज़्यादा सुना है कि लिड्स जो है, लिड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैप्स मिलती हैं, सो आप देख सकते हो अंदर कैप का स्टोर है लिड्स का, सो चेक करते हैं कि कैसी कैप्स हैं और बाय करते हैं, अगर अच्छी लगी हुई तो कैप भी मैंने लेनी है, अच्छा रेट हो तो तब बाय करते हैं लिड्स की कोई कैप। और ये सामने लिड्स की कैप्स, तो ये रही सारी लिड्स की कैप्स। सो कैप्स की क्वालिटी को बताऊं तो मैं मतलब आई कांट एक्सप्लेन, ऐसी क्वालिटी मैंने कभी नहीं देखी, बेस्ट क्वालिटी की कैप्स हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस है $35, तो प्राइस आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो 6 रियाल, मतलब सीधा 1800, 2000, 2200 की कैप बनती है। ठीक है,
बट क्वालिटी भी तो टॉप क्लास है ना, मतलब क्वालिटी देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। सो आई विल ट्राई कि अगर कोई अच्छी लगेगी मुझे देन आई विल बाय वन ऑफ देम और आपको दिखाऊंगा कैसी लगती है मुझे वो। सो मुझे पसंद आई ये दोनों कैप्स, आपको कौन सी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कैनेडा वाली, इसमें बैंफ का है ऊपर लोगो, ठीक है, और ये एले वाली। सो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली लेता हूँ, ये है $45 की और ये वाली है $35 की। सो $45 वाली ये है कि इसमें कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा, जैसे स्केचर्स के शूज़ होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, वैसी ही ये कैप है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस वन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बट $45 की ये वाली लेने लगा हूँ। और ये वाली नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं, इसको रख देते हैं। तो हमें मिल गया है अब मैप क्रॉस आयरन मॉल का। ये देखिए यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर जाना है। अभी हैं हम यहाँ पर DSW विनर, यहाँ से हमने शॉपिंग की है अभी, ठीक है। नहीं, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। सो लेट्स सी। सो फूड हॉल यहाँ पर है, फूड हॉल भी चलेंगे, सिनीप्लेक्स मॉल, सिनीप्लेक्स मतलब सिनेमा थिएटर, उसके अलावा ओल्ड नेवी, यहाँ से हम एंटर हुए थे। अब सारा घूमते हैं मॉल, यहाँ से होते हुए यहाँ से हम आए थे, अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स और घूम के यहाँ पर आएंगे वापस, एंड हॉकी लाइफ क्या है वो भी देखते हैं। चलो चले। और ये रही बच्चों की प्लेस, बच्चे यहाँ पर रहे खेड़, बच्चे का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है यहाँ से। पर अगर यह आपके कोई बच्चे हैं कैलगरी में तो यहाँ पर ले आइए और छोड़ दीजिए उनको यहाँ पर ही, खुद निकल जाइए घूमने। मैंने पंजाब के जो भी सारे के सारे पॉपुलर मॉल्स हैं ना वहाँ पर ब्लॉग बनाए हुए हैं, जैसे कि मॉल ऑफ अमृतसर या फिर एलांटे मॉल, बट इस मॉल में वो वाइब नहीं आ रही, मतलब खुला खुला बना हुआ है मुझे पर वाइब नहीं आ रही वो वाली, मजा नहीं आ रहा है वाइब यार, मतलब जैसे वहाँ पर ना एक अलग ही वाइब आती है, यहाँ पे फीका फीका सा लग रहा है सब कुछ, फीका 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 रंगीन कर देते हैं। रंगीन कुछ है नहीं, ये देखो गोगल्स, देसी गोगल्स चाइनीज। लेविस का आ गया है, लेविस लेविस लेविस, ओ आ गया नाइकी 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 नाइकी। हमने तो भाई साहब पहले ही पैसे लगा दिए हैं, $35। अब तो नहीं और लगाएंगे, काफ़ी खर्चा हो गया है हमारे लिए, 35 बहुत ज़्यादा है, हम कौन से महीने के 6-7 हज़ार डॉलर कमाते हैं, उतने कमाते हैं, वो भी जो कमा रहे हैं वो फीस देनी है अभी, इसलिए खर्चा हम कम करते हैं। सो बेसिकली अब इधर से भी भाई आए थे, ऐसा बंदा उधर भी था ना, ये वाला बंदा हमने उधर देखा था, वो इधर की साइड फिर है, और ये वाली जो आग जल रही है, फ्लावर बनाए हैं पता नहीं क्या, नो दिस इज कैंप फायर, कैंप फायर बनाई है ये, कैंप फायर मतलब कैंप लगा कर जो फायर चलती है ना वो वाली, जैसे लकड़ियाँ नीचे और आग जल रही है ऊपर। ये है क्रॉस आयरन मिल्स, इसका नाम मिल्स ही है, मतलब सेकंड एंट्री, और हम आए थे फिफ्थ एंट्री से। सो लेट्स सी कि सेकंड एंट्री बाहर से कैसे दिखती है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही एंट्री नंबर सेकंड क्रॉस आयरन मिल्स की, इसको मॉल बोलते हैं और नाम इसका मिल्स है, पता नहीं क्यों मिल्स है, हमारे वहाँ तो मिल चोलों वाली होती हैं, चावल वाली। और उधर एक और एंट्री है मेरे ख्याल से, वो एंट्री नंबर 1 है, देख रहे हैं उधर, आपको जूम कर कर दिखाता हूँ, जो वो देखो देखी, वो एंट्री नंबर 1 है शायद, और इधर भी एंट्री होगी एक, और मतलब 6-7 एंट्री हैं इसकी, और इसकी थंबनेल ले लेता हूँ फिर हम चलते हैं दोबारा अंदर। अरे भाई ठंड लग गई, ठंड लग गई। बाहर तो आ गए बट कपड़े नहीं हमने पहने पूरे। कितने डिग्री टेम्परेचर है, 4 डिग्री 3-4 डिग्री होगा, माइनस माइनस में नहीं, 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 नहीं माइनस में नहीं है टेम्परेचर, देख कितना है, 5 डिग्री है भाई, धूप निकली इसलिए नहीं लग रहा, नहीं तो 5 डिग्री में भी काम ख़राब हो जाता है। दोबारा अंदर चलते हैं। मैं बहुत मॉल्स में घूमा हूँ बट कभी भी मैंने गिटार का कोई ऐसा आउटलेट नहीं देखा, ये है गिटार वर्क्स के नाम से एक आउटलेट, यहाँ पर गिटार और सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं और आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये अगेन हम कहीं पर आ गए सेंटर में, और यहाँ पर ये देखो कोई आर्ट वर्क की तरह का बना हुआ है, कोई आर्टिटेक्चर क्या बोलूँ इसे मैं, है क्या आप बताएं। ये है फिश, फिशिंग रोप, एंड अ पर्सन इज कैचिंग अ फिश, मच्छी पकड़ लो मच्छी पकड़ लो मच्छी पकड़ लो मच्छी पकड़ लो। भाई यार बोरिंग सा नहीं लग रहा आज काम, बोरिंग बोरिंग सा नहीं काम, इतना मज़ा नहीं आ रहा, फीका फीका जा है, फीका फीका सा है आगे। हाँ भाई आगे क्या है,
ये क्या है, ये क्या है? बास प्रो शॉप्स, ये कौन सी शॉप है भाई? इसको देखकर अजीब सा लग रहा है। चलो देखकर आते हैं कि ये शॉप है किस चीज़ की। मैंने कभी भी ऐसा आउटलेट नहीं देखा। ये पूरा बैंफ लग रहा है, जैसे बैंफ में आ गए हो। दिस इज़ एन आउटलेट, फिर बता दूँ ये कोई शॉप है? शॉप, लेट्स सी इनसाइड। ये है क्या, क्या चीज़ बनी है? ये देखो फाउंटेन बनाया है शॉप के बीच में। ओ भाई, ओ भाई, ऊपर देखो, ऊपर जहाज चल रहा है, जहाज। ये देखो ये सारे, मतलब बोलूँगा ना, एक अलग सा टेक्सचर देते हैं। इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक तरह का ब्रांड बना दिया अपना। ऊपर से देख कर आते हैं ऊपर क्या है, ऊपर क्या है भाई, ऊपर देख कर आते हैं। अब देखते हैं ऊपर क्या बना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देख भाई, हाउ इट लुक्स, ऊपर से कैसा है, ऊपर देखो, भालू भालू। अब कुछ क्रिस्प मिला, क्रिस्पी थिंग आई कोई। इधर देखो, इधर फिर एक आ गया फाउंटेन, और वो क्या भाई, देख देख देख, शिकार चल रहा है, शिकार। आओ ऊपर देख कर आते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है फुटवेयर, फुटवेयर आ गए ऊपर। सो इधर सारा फुटवेयर है, लिफ्ट भी है भाई, लिफ्ट, लिफ्ट बनी हुई है इधर, बहुत ही बढ़िया वाली लिफ्ट भी ट्राई करेंगे ऐसे। ये वाली लिफ्ट भी नहीं कभी देखी है मैंने तो। और ऊपर देखो फिर यार, ये स्टोर डिज़ाइन कितना अच्छा किया है। मतलब हमने आना नहीं था अंदर, हम स्टोर देखने आए हैं, ख़रीदने नहीं आए कुछ। और अगर कोई इंसान आएगा अंदर तो ऑफकोर्स बात है ख़रीद ही लेगा। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ मार्केटिंग इन स्टोर, ऐसी फिजिकल मार्केटिंग कभी नहीं देखी मैंने। ये सारा का सारा आप देख रहे हो ना कि थीम क्या है, थीम इज़ हंटिंग की थीम है, सारी की सारी हंटिंग की थीम है। ये सारे के सारे जो क्लोज देख रहे हैं ये हंटिंग वाले हैं। चलो देखते हैं आगे, और ये देखिए नीचे से इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, क्या बात क्या बात। आप ऊपर आओगे जब तो ऊपर आपको ना बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। नीचे देखो वो सारी की सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ भाई, इतनी बड़ी मछलियाँ। ये देखो इतना अच्छा स्टोर डिज़ाइन किया है, मैं कह नहीं सकता, ये तो जहाज भी अच्छी लग रहा है। दिस प्लेन इज़ लुकिंग लाइक कि ये असली है, रियल लग रहा है, रियल। और ये क्या है, ये कोई फूड है, पता नहीं लग रहा क्या क्या बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं भाई, सब कुछ ही, सब कुछ। वहाँ पर गन्स भी है, नहीं मेरे ख्याल से वो चीज़ क्या है। चलो देखते हैं, व्हाट इज़ दिस, देखने में तो कुछ वियर्ड ही लग रहा है, बट व्हाट इज़ दिस। अच्छा ये भाई $1,000 का स्कोप गन्स, आई थिंक दीज गन्स आर रियल, आई थिंक सो, क्योंकि $1,800 की है, पता नहीं अब रियल गन्स है कि फेक है, वो ही पूछ लेते इनसे। क्या बात भाई क्या बात, पूछते हैं इनसे कि रियल गन्स हैं या फेक है। पूछा तो और ये बोल रहे हैं कि ये सारी लाइसेंस गन्स है, लाइसेंस इट मीन्स आपके पास अगर लाइसेंस है यहाँ पर। सो आपको मैं बता देता हूँ लाइसेंस के बारे में। सो कैनेडा में काफ़ी सारे लोग फार्मर्स होते हैं, या फिर कई लोग यहाँ पर मतलब सिटीजन्स हैं, और उन्हें हंटिंग भी पसंद है। सो दे कैन मेक लाइसेंस, और वो डियर की हंटिंग भी करते हैं। और अगर कोई गन चाहिए, स्कोप चाहिए, वैसे तो वो ठीक है, आपको पता है ये फायर आर्म के स्टोर होते हैं, वहाँ से मिल जाता है। बट इफ़ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग हेयर, लाइसेंस है और यहाँ से गन लेकर जा सकते हैं सीधा। देख रहे हो गन्स मिल रही हैं, वो भी मॉल में भाई, क्रेजी। इंडिया आता तो क्या बनता, बिकते ही नहीं यहाँ पे। मतलब गन्स, स्कोप, सब कुछ मिल रहा है मॉल में। और ये है डियर फीड, फीड है डियर की, फीड तक मिल रही है सब कुछ, मतलब सब कुछ। अरे भाई ये तो देखा ही नहीं, ये इंसान गिरने वाला है, रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, रॉक क्लाइंबिंग। हेलो क्रेजी जानवर। चलो लिफ्ट के साथ जाते नीचे, आगे हम लिफ्ट के साथ ऊपर, ऊपर नहीं आए नीचे जाएंगे। अब यहाँ से चूज़ भी करना है। सो हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। सो वेयर इज़ द ग्राउंड फ्लोर,
ग्राउंड फ्लोर कहाँ पे भाई? हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर, मे बी दिस इज ग्राउंड फ्लोर। अब जा रही है नीचे। वाह ये तो अच्छा व्यू है भाई, कैसे जा रहे हैं? वाह 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 वाह, ये देखो मछलियाँ, देख रहे हो मछलियाँ? ऐसी लिफ्ट नहीं देखी मैंने तो कभी। चलो लेट्स एग्जिट, आगे नीचे। ये क्या चीज़ है? फिशिंग रोड्स, $200 की फिशिंग रोड है। फिशिंग भी करते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे। काफ़ी यार बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया फीलिंग आती है यहाँ पे, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। तो मॉल से ज़्यादा घूमने में स्टोर को घूमने में आ रहा है। मॉल बोरिंग था, ये स्टोर इंटरेस्टिंग है घूमने के लिए, बिकॉज आई लव नेचर और मुझे लाइक ये चीज़ें करनी, नेचर एक्टिविटीज़ करनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मे बी इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। और आगे जाएं, आगे जाएं तो यहाँ पे गॉगल्स आ जाती हैं दैट यू कैन वेयर वाइल कैंपिंग, वाइल डूइंग स्टफ। बढ़िया क्वालिटी की है, जैसे ये वाली है। कितने की होगी ये? ये सोचो कितने की होगी ये वाली जो मैं डाल रहा हूँ, सिंपल गॉगल। दिस इज सिंपल गॉगल, इससे मतलब सब कुछ दिखता है, रात को भी क्रोकोडाइल पानी में है या नहीं है। ये वाली वही गॉगल्स हैं, इसका प्राइस है $327 फॉर जस्ट वन। चलो हमारी औकात से बाहर है, चलते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाए हैं इन्होंने। देखो कितने ज़्यादा रियलिस्टिक है, असली लग रहे हैं। वुल्फ सारे के सारे असली लग रहे हैं। अब इधर देखें तो बोट्स आ जाती हैं, बोट्स और उसके अलावा स्क्वाड्स, स्क्वाड्स कहते हैं इसको, स्क्वाड्स बोल रहा हूँ। और काफ़ी बढ़िया लग रही है। अभी देखो ये क्वाड्स हैं, उसका प्राइस है $3,300। और इधर देखो ये बोट्स हैं, ये बोट है $27,000 की। और इधर भी बोट होगी, बोट्स के प्राइस भी आपको बताता हूँ, ये $30,000 की बोट। सो ये हो जाती है सीधा सीधा 18 लाख रुपए की। और ये वाली हो जाती है 26,000 की, वो भी मतलब इतने की पड़ जाती हैं। सो बोट्स भी काफ़ी बढ़िया हैं इनकी। अगर मतलब आपके पास ट्रक है कोई भी, मतलब ट्रक का मतलब है कोई, क्या बोलते हैं उसको, पिक्का, हाँ हमारे यहाँ पिक्का बोलते हैं और ये बोलते हैं ट्रक। और अगर आपके पास ट्रक है, आप ट्रक के पीछे वो लगा सकते हैं टोइंग वाला सिस्टम और इसको लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी और बोट चला सकते हैं आराम से। और लोग करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों का देखा है कि अपने ट्रक के पीछे बोट लेकर जा रहे होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली लाइक US में और कनाडा में यही चीज़ है कि लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है कुछ भी करने की। शायद पैसा ज़्यादा फ्रीडम दे देता है, शायद मे बी दिस इज़ द थिंग। और ये ऐसा लग रहा होगा कि बिकेगी क्यों, मतलब कौन खरीदेगा इनको। बट कनाडा में और US में ऐसी बहुत ही आम बात है। ये देखो 1,32,000 की बोट, 1,32,000, भाई साहब $1,32,000 एंड डॉलर। 1 करोड़ रुपया बन जाएगा ये। देख रहे हो कितनी बड़ी बोट है। और ये खरीद भी लेते हैं लोग। When you have money, I mean extra money, you have different शौक। तो और अजीबो गरीब शौक होते हैं फिर। ये नहीं कि सिर्फ स्टोर ही अच्छा है और इनके कपड़े और या फिर प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। देखो ये शर्ट इतनी प्यारी है भाई साहब, इतनी प्यारी। ये देखो कितनी है, $50 की शर्ट है, मतलब जेन्युइन प्राइसेस है कनाडा के हिसाब से। और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं कपड़ों के, सिंपल पूरे ऐसे सिंपलिस्टिक कलर्स हैं। देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेक्सचर में, कलर में कपड़े भी हैं इनके। क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया स्टोर में आकर। और ये रही वो मछलियाँ जो आपको पहले बता रहा था। और जो मछली आ जाओ, आपका आपका शिकारी आ गया है। उधर ही हुई, इधर देख इसका मुंह देख मछली का। ये कौन सी स्पीसीज है? ऐसी मछली देखी है? आपका शिकारी आ गया है, आ जाओ मछली खा जाऊंगा तुमको। तो चलो अब बाहर चलते हैं। और ये रहा शॉप का नेम, बेस प्रो शॉप्स। बेस प्रो शॉप्स नाम बहुत अजीब है बट बनाया अच्छा है। ये देखो भालू भालू भालू। और अब यहाँ से होती है फूड हॉल की एंट्री।
अंदर चलेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सा फूड मिल रहा है, कौन से आउटलेट है यहाँ पर खाना खाने के लिए। भूख लग रही है भाई, लगन दी भुख या। अब देखते हैं, यहाँ पर चाइनीज रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट चाइनीज रेस्टोरेंट काफ़ी ही ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी, अगर कुछ चाइनीज अच्छा मिलेगा तो वही खा लेंगे हम भी। और ये रहा क्रॉस आयरन का फूड हॉल, यहाँ पे कुछ क्लासी प्लेसेस भी हैं, जैसे ये देखो, ये थोड़ी क्लासी प्लेसेस हैं, ठीक है। और गेमिंग भाई, सिल्वर सिटी गेमिंग भी है यहाँ पर, इसका मैं आपको पता करके देता हूँ। और यहाँ पर न्यूयॉर्क फ्राइज, ठीक है, उसके अलावा सबवे, टैको बेल और KFC जैसे इंडियन स्टोर भी है, और मतलब इंडियन जैसे आउटलेट भी हैं और अलग आउटलेट भी मिलेंगे। सो लेट्स सी, कुछ यूनिक खाकर देखते हैं, इंडियंस तो खाए हुए हैं। तो हमने सोचा कि बोरबन ग्रिल से हम कुछ वेज कॉम्बो करा लेते हैं, ये ब्रोकली हो गई, नूडल्स हो गए, सो ये सभी वेजिस का कॉम्बो होता है। अब ये खाते हैं और फिर कुछ और देखते हैं यहाँ पर। अब हम आ गए हैं गेम्स जोन में, इसका नाम है एक्सकेप एंटरटेनमेंट सेंटर, और यहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स हैं, और आपको अब गेम्स की काफ़ी सारी ट्रिक्स बताऊँगा जो कि मैंने इंटरनेट पर देखी थी, वो भी बताऊँगा। और देखते हैं कि कोई गेम पसंद आएगी तो खेलते हैं, फिर कार्ड काटा का देखते हैं कैसे कार्ड बनता है, देखते हैं सब कुछ यहाँ पर। और अब हमने बनवा लिया है कार्ड एक्सकेप का, और मैंने बनाया $23 वाला, $20 पर टैक्सेस, उसमें मिले हैं मुझे 120 पॉइंट्स, और मतलब पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर गेम चलती, जैसे ये 8 पॉइंट्स की एक गेम है और मेरे पास 120 पॉइंट्स है अब, और मतलब $50 का मिलेगा तो 340 पॉइंट्स मिलेंगे, $10 का कार्ड भी बन जाता है, मतलब कार्ड तो ठीक है, मतलब सस्ते सस्ते कार्ड भी बन जाते हैं। और आपने ना हर मॉल में देखा होगा कि कोई ना कोई गेम ऐसी होती है जिसमें प्राइस काफ़ी महंगा होता है, जैसे कि ये गेम है, इसमें प्राइस महंगे वाले हैं, जैसे स्पीकर है, हेडफोन्स है, तो ये काफ़ी महंगे महंगे प्राइस हैं, $10, $20 के प्राइस हैं। सो ऐसी मशीन को मत ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि मैनुअली सेट किया जाता है इसको कि इसको एक दिन में कितने प्राइजेस निकालने हैं, तो आप जितना मर्जी ट्राई कर लें, इससे आपका कभी भी कुछ भी नहीं निकलेगा अगर आपका लक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लक पर डिपेंडेंट होती हैं सारी की सारी गेम्स, इस पर आपकी स्किल्स मैटर नहीं करती। सो अवॉइड दीज गेम्स, गेम्स वो खेलते हैं यहाँ पर टिकट्स मिलती हैं। अब चलते हैं कोई अच्छी गेम पर जिसको खेलने में भी मज़ा आए और टिकट भी मिले। अब हम खेलेंगे बास्केटबॉल वाली गेम। ओके, स्टार्ट हो गया। सो ये सिंगल बंदे का ही खेलेंगे पहले गेम, बाद में हम दोनों खेलेंगे दोस्त, तो पहले ये खेलते हैं। तो अब खेलते हैं ये वाली गेम, ये गेम मैंने कभी भी नहीं खेली, सो लेट्स सी कैसी गेम है। NFL अब मारूंगा तुझे, अब खेलेंगे पियानो वाली गेम, पियानो वाली, लेट्स सी पियानो। अच्छा अच्छा, आई गॉट इट, चलो अब खेलते हैं एयर स्ट्राइक। ओके, क्या करना है इसमें, क्या करना है, चलो देखते हैं भाई साहब क्या करना है। तो ओके, मिशन क्या है, मिशन करना है कोई बहुत बढ़िया वाला, हमको भेजा गया है मिशन करने के लिए, हम बेरोजगारों को, ये क्या है,
ओहो इतनी HD क्वालिटी, ओहो मौज कर दी भाई साहब, मौज कर दी। ओके डिस्ट्रॉय इंपीरियल वॉकर्स वॉकर्स वॉकर्स। ओके अ फ्यू इंचेस लेटर गुथा पार देंगे इनका, मार देंगे, मार देंगे। बहुत बेकार गेम है, हम नहीं खेलेंगे गेम को। अब ये वाली जो गेम्स है ना, इसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, 20 लगाए इस कार्ड में और ये काफ़ी ज़्यादा ना सस्ता प्राइस मिलेगा आपको। सो लेट्स सी, 90% केसेस में ये गेम लोग जीत ही जाते हैं, ठीक है, बहुत इजी गेम्स होती हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। पक्का नहीं पता बट प्राइजेस सस्ते होते हैं इसमें। ओ भाई ये रंग कैसा निकला है, ये रंग मुझे नहीं चाहिए। सी दिस, ये रंग नहीं चाहिए मुझे, फिर रख रहा हूँ। अब खेलेंगे ये वाली गेम, ये काफ़ी अच्छी गेम है, अच्छी गेम है, मैंने अभी खेली है तभी दिखा रहा हूँ, मज़ेदार है, सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग। वो रही बॉल, बॉल घर पर ले जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो आपको सारा का सारा क्रॉस आयरन मॉल का मैंने टूर दे ही दिया, ठीक है, जो जो था बेसिकली आपको दिखा दिया, गेम्स खेल ली, खाना खा लिया, स्टोर में चले गए, शॉपिंग कर ली, दैट्स एवरीथिंग अ मॉल कैन हैव। और नए हो सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगले ब्लॉग तक बाय बाय। अरे भाई ये तो घर ले जा, ये तेरा निकला था वहां से, घर ले जा इसको, नहीं, मेरा निकले तू ले जा भाई ले जा। ये किसी लड़की